नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल एट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाटा टियागो की सीटिंग स्पेस के बारे में, कितने लोग प्रॉपरली गाड़ी में बैठ पाएंगे, कितने लोग नहीं बैठ पाएंगे, क्या बच्चों की पोजीशन रहेगी, क्या एडल्ट्स की पोजीशन रहेगी, वो सारी चीज़। क्योंकि ज़्यादातर वीडियो में आपने देखा हो, आपको सिर के ऊपर हाथ हिला के बता देंगे और पैर थोड़ा सा दिखा देंगे, आप उससे समझ नहीं पाओगे, जज नहीं कर पाओगे कि कितने लोग बैठे हैं। शोरूम में भी जब आप गाड़ी को लेने जाते हैं तो भीड़ भड़क्का तो मचा नहीं सकते। तो मेरे साथ है अभय, ये है 6 फुट का मोटा तगड़ा आदमी, मतलब इसे वैसे तो ये 16 साल का है लेकिन एडल्ट से कम नहीं है। दूसरा हमारे साथ आंटी हैं और ये तो फुल्ली एडल्ट हैं, और तीसरा मैं। सो तीन लोग एडल्ट हैं हम लोग, और साथ में एक ये गोल 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 सा बच्चा दिख रहा होगा आपको, एक ये है और एक कैमरामैन है हमारे साथ। सो पीछे की सीट पे पहले हम ट्राई कर लेंगे कितने लोग इजीली बैठ पाते हैं, फिर आगे की सीट पे ट्राई कर लेंगे और आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आएगा। सो सबसे पहले हम पीछे की तरफ बैठ जाते हैं, आइए आओ। अबे तू उतर, अभी एक मिनट तू उतर, उतर उतर उतर। हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो हम दो लोग बड़े बिठा के आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या बैठ पाते हैं। तो ड्राइवर सीट अभी मेरी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है ऑलरेडी, मैं भी अच्छा खासा मोटा तगड़ा आदमी हूँ और नॉर्मल से पीछे ही है ड्राइवर सीट, आगे की तरफ एक बच्चा बैठा हुआ है। और मेरे हिसाब से नहीं लगता कि कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाते समय अपनी सीट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता होगा, हालांकि हम अभी पीछे की सीट की बात करें। सो दो लोग अभी यहाँ पर प्रॉपरली बैठे हुए हैं, कहीं पे पैर वैर तो नहीं अड़ रहा इसका? अबे बैठा रहे यहीं पे नहीं अड़ रहा, नहीं अड़ रहा ऊपर सिर वगैरह? बिल्कुल, थोड़ा सा और लंबा होता तो अड़ जाता। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो जो ऊपर इसको हेड स्पेस मिल रहा है कुछ इतना मिल रहा है, हाँ ठीक है, एक मुट्ठी के बराबर हेड स्पेस मिल रहा है। और आगे की तरफ जो लेग रूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी में, तो इन्हें देख लें हम, इन्हें भी प्रॉपर लेग स्पेस मिल रहा है और ऊपर की तरफ हेड स्पेस भी प्रॉपर है। पीछे की तरफ एक बार अगर सिर वगैरह जैसे हेडरेस्ट पे रखें तब भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है यहाँ पर, ठीक है। तो दो लोग जब तक गाड़ी में बैठे हैं तब तक तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होके एकदम बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति अंदर जाता है तब क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। मैं चला जाता हूँ अंदर की तरफ, एक साइड का गेट लगा लो आप उधर का। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीन लोग हम इस समय अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं, हालांकि बस कंडक्टरों के हिसाब से तो ये गाड़ी अभी भी काफ़ी ज़्यादा खाली है, लेकिन अभी तीन लोग हम बैठे हैं और तीनों, मतलब कि पहले तो मैं इन दोनों से आप अपना अपना ओपिनियन आपको बता देता हूँ कैसा क्या है, लोग कम्फर्टेबली बैठे हैं, फिर मैं आपको अपनी तरीके से बता देता हूँ। तो आप बताओ ठीक ठाक बैठे हो, कोई दिक्कत आ रही? हाँ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बट कंधे है वो थोड़े से लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से थोड़ा ज्यादा टच हो रहे हैं, बाकी हाँ। है। टाटा टियागो का जो सीट है वो आगे से अप है और पीछे की तरफ डाउन है, अगर आप बैठते समय किसी को आगे बिठाए और थोड़ा सा एक पर्सन जो थोड़ा पीछे की तरफ बैठे तो जो बैठ आगे की तरफ बैठा हुआ व्यक्ति रहेगा उसका जो पूरा अटेंशन है वो अपने बैक साइड को स्लिप रखने के लिए रहेगा, है ना, मतलब कि टोटल जो है पीछे करके जो बाकी गाड़ियों में बैठ सकते हैं, हाँ वैसा इसमें नहीं बैठ पाएंगे, जो थोड़ा सा सोफा टाइप का है, हाँ ये बॉडी जो है वो पीछे की तरफ ये हो रही है, एक व्यक्ति के लिए ज्यादा कंफर्टेबल और उससे ज्यादा अगर जबरदस्ती आप इसमें ठूसना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आई। तुम क्या दिक्कत आ रही भाई? पैर ही नहीं फैल रहे। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी मतलब कि इन दोनों से तो पतला ही हूँ लेकिन यहाँ पर अच्छे तरीके से जो मेरे को लेग रूम है वो तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है मेरे को, और साइड में इस वाले पैसेंजर को जो आपके डोर के साइड बैठा है उसे भी अच्छा खासा लेग रूम आपको मिल जाएगा, लेकिन बीच वाले पैसेंजर के पास यहाँ पर आप देखेंगे तो टियागो में ये जो बम्प है ना ये कहीं ना कहीं अखरता है और इसी कारण जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अल्ट्रोस की तरफ भागता है। सो यहाँ पर एक दिक्कत आती है तीसरे व्यक्ति को बैठने में, और दूसरी चीज़ जब तीन लोग अच्छे एडल्ट प्रॉपर साइज़ के अगर इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपके कंधे ज़रूर अड़ने वाले हैं, हालांकि चाहें तो अभी भी इसमें ज़बरदस्ती करके एक बच्चे को बिठाया जा सकता है लेकिन वो ज़बरदस्ती हो जाएगी, स्पेस टेस्ट करने का फ़ायदा क्या निकलेगा। सो पीछे की सीट की कुछ ये हालत है, एक बार मैं आपको दो एडल्ट और एक बच्चा बिठा के दिखाता हूँ, आप देखिए कितने कम्फर्टेबली वो बैठते हैं। सो निखिल आ जा भाई पीछे। सो फिलहाल इस वक्त जो गाड़ी में एक बीच में बच्चा बैठा हुआ है और आइट साइड में दो एडल्ट्स बैठे हुए हैं,
सो इसी से पूछ लेते हैं, इसे कैसा लग रहा भाई? कोई दिक्कत हो रही तेरे को? वो तो बता दो पहले, बैठने में कोई दिक्कत हो रही है? सही सही बता एकदम, कहाँ पैर वगैरह तेरे को, मतलब बाहर यहाँ पर बंप पे रख पा रहा है अच्छे से? नहीं, मजा नहीं आ रहा बंप पे रखने में, है ना? ये इसके ऊपर, यहाँ पे तो भाई बोतल अगर रखी रहेगी, मतलब ऐसे आइट साइड करना पड़ रहा है। तो ये बंप जो है ये बच्चे को भी दिक्कत दे सकता है, इससे छोटा और है तो आपको दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो बच्चा है ये लगभग 10 साल का है, 11 साल का मैं, ठीक है, 11 साल का बच्चा है। और 11 साल का बच्चा जो है वो भी बीच में कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रहा है। सो मेरा ओपिनियन ये है कि वैसे तो ये जो गाड़ी है ये 5 सीटर है, 5 सीटर पास आपको RTO की तरफ से देखने को मिल जाएगी, लेकिन बीच में आपको बैठने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अगर आपको 100-200 किलोमीटर से ज़्यादा अगर पीछे 3 लोगों को बैठ के चलना है, सो आपको टियागो थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। वैसे टाइम पे आपको अल्ट्रोस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्ट देगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत 150 किलोमीटर अगर चलना है तो 3 लोग एडजस्ट थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, इनिशियली उतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ भी चले जाते हैं भाई, क्या लगता है तेरे को, एक जना और तू बिठा सकता है तेरे आसपास? हाँ, थोड़ा खिसक के बिठा सकते हैं, थोड़ा खिसका के बिठा लेगा, लेकिन भाई फिर ये तेरे जो पुट्ठे हैं ये गियर पे आएंगे? नहीं, थोड़े बहुत आएंगे। अच्छा चलो निखिल को बिठा के दिखाते हैं, आजा बेटा, चलो आजा। सो यहाँ पर हमने बारात के हिसाब से अभी बच्चों को बिठा दिया है, क्योंकि ये बच्चों की ये आदत होती है कि लत जाते हैं जहाँ देखो वहाँ। और ये देखिए, अगर यहाँ पर आपने गलती से भी एक की जगह 2 बंदे को बिठाया तो भाई ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उसे गियर लगाते बनेगा ही नहीं। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो अभी कोई भी, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है एक के अलावा दूसरा व्यक्ति बैठने का। और ड्राइवर क्या है, एक छोटा सा बच्चा जो अभी जस्ट 1 साल का भी ना हुआ हो, गोदी में अगर बिठाना चाहे तो मेरे हिसाब से बिठा सकता है, लेकिन वो सब रिस्क वाली बात है। सो ये था ओवरऑल टाटा टियागो का कुछ सीट कम्फर्ट, कि आप टियागो में कितने लोग कम्फर्टेबली बन पाएंगे, कितने लोग नहीं बन पाएंगे। सो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस वाले चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।